नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटेलेक्ट क्वेस्ट में। हम आपके लिए रोज टेक्नोलॉजी कुछ खबरें लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आज हम बात करेंगे नोकिया के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नोकिया रिसेंटली वापस आ गया है मोबाइल मार्केट में। बीच में उसने फ़ोन बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन अब वो वापस आ गया अपने स्मार्टफोन, और लूमिया उसने बंद कर दिया है और उसके एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं। और इसी बीच उसने बहुत सारे फ़ोन्स निकाले, तो उसमें से हमने कुछ ऐसे फ़ोन सेलेक्ट किए हैं जो कि स्पेसिफिकेशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम आपको उन्हीं कुछ ऐसे फ़ोन्स के बारे में बताएंगे जो नोकिया के बहुत अच्छे फ़ोन्स हैं। तो इनमें सबसे पहला फ़ोन जो आता है वो है नोकिया 9 प्योरव्यू, जो कि लॉन्च हो चुका है और मार्केट में आने वाला है। तो इसमें आपको 5.99 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 2.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 1440x2880 रिजोल्यूशन मिलता है डिस्प्ले का, 6 GB रैम मिलती है आपको इसमें, एंड्रॉयड 9.0 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, 128 GB इसमें बेसिक वर्जन में स्टोरेज है, और इसमें पेंटा रियर कैमरा, ये पहला फ़ोन है जिसमें पेंटा रियर कैमरा, मतलब 5 कैमरे हैं पीछे, 5 लेंस का, सबके सब 12 मेगापिक्सल के। इसमें आपको 3320 mAh की बैटरी मिलती है। ये सिर्फ एक ही कलर में लॉन्च हुआ है, वो है मिडनाइट ब्लू। इसका प्राइस है 49,600। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर आपको मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है नोकिया 8 सिरोको। इसमें भी आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 1.9 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का, डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1440x2560 से, 6 GB रैम, एंड्रॉयड 8.0 OS, 128 GB स्टोरेज, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सिंगल, 3260 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है, ब्लैक कलर में ये अवेलेबल है, और इसका प्राइस है 36,999। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे फ़ोन की। तीसरे नंबर पे आता है नोकिया 8.1। इसमें 6.18 इंच की डिस्प्ले मिलती है, फुल इसमें डिस्प्ले है बिना किसी बटन के, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इसमें, 1080x2244 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, 4 GB इसमें रैम है, एंड्रॉयड 9.0 इसमें OS है, 64 GB स्टोरेज है, 12+13 MP का ड्यूल रियर कैमरा है, और 3500 mAh की बैटरी ब्लू और सिल्वर कलर में ही आपको अवेलेबल है। इसका प्राइस है 25,599 और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 है। और चौथे नंबर पे आता है नोकिया 7 प्लस। इसमें 6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 1080x2160 पिक्सल रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का, 4 GB रैम है, एंड्रॉयड 8.0 OS है, स्टोरेज 64 GB है, रियर कैमरा 12+13 MP का ड्यूल रियर कैमरा है, 3800 mAh की बैटरी है, ब्लैक एंड वाइट कलर में आपको अवेलेबल है, 22,999 इसका प्राइस है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 है। तो अगर अब इन चारों फ़ोन को देखा जाए तो इसमें से नोकिया 9 प्योर व्यू अगर आपका बजट है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें सारी अवेलेबल है, क्योंकि ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और इसके परफॉर्मेंस और वो कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। बात करते हैं फिर नोकिया 8 सिरोको की। इसमें 1.9 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि 9 प्योरव्यू से थोड़ा कम है, लेकिन इसका प्राइस भी उस हिसाब से कम आ जाता है। लेकिन इसके जो कैमरा के फीचर्स है वो अच्छे नहीं है, ना तो इसमें ड्यूल रियर कैमरा आपको मिलता है, फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा है। तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप प्रेफर ना करें। वैसे अगर देखा जाए प्रोसेसर वाइज तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है। ऐसे ही नोकिया 8.1 और नोकिया 7 प्लस आप देख सकते हैं। 7 प्लस अब पुराना हो चुका है क्योंकि पिछले साल लॉन्च हुआ था और इसमें प्रोसेसर भी पुराना है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन चारों में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। हम रिकमेंड करेंगे नोकिया 9 प्योर व्यू अगर आपका बजट है। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।